हेलो सर, आपका ऑर्डर एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी, चिकन मलाई कोफ्ता हाफ बिरयानी, आपने सीख कबाब और शामी कबाब अलग अलग बोले हैं कि दोनों अलग अलग पैक कर लेना। अरे भाई बात सुनो। हेलो, कहाँ फोन किया आपने? सर आपका ऑर्डर तैयार हो गया, यहाँ से लड़का निकल रहा है हमारा। कौन सा ऑर्डर भाई? सर आपका ये चिकन मलाई कोफ्ता फुल बोला था आपने, खमीरी रोटी आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया सर? चिकन मलाई कोफ्ता, खमीरी रोटी। अबे भाई खमीरी रोटी मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, नंबर चेक करें। ये सर चिकन मलाई कोफ्ता फुल यहाँ से, मैं कह रहा हूँ कोई ऑर्डर नहीं दिया, एक बार नंबर चेक करके कॉल कर। सर आपका ही नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका नंबर लिखा हुआ है, मैं इसलिए आपको कंफर्म किया। चिकन मलाई कोफ्ता सर अलग से डाले, मेरा नंबर है ना, मैंने ऑर्डर नहीं दिया। हम अखें कॉल कर, टाइम खराब कर रहा है मेरा। आपने ऑर्डर नहीं दिया? ये नहीं, मैंने नहीं दिया। कमाल है, अजीब लोग हैं, पूरी पेमेंट कर देते हैं पहले फिर कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं किया। कोई नहीं भाई सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, एक क्या कर रहा तू? पेमेंट हो गई है क्या सर? पेमेंट हो गई है इसकी पूरी? पेमेंट तो सर पहले कर दिया आपने। अबे तो लेकर आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं इसका। यार आप लोग ना बनाते हो साला, 10 मिनट पहुंच रहा हूँ, 1 घंटा हो गया। अभी तो आप कह रहे थे ऑर्डर नहीं किया आपने। मैंने कब कहा है सर? अभी तो आपने, जब मैंने शुरू में फोन किया है कि चिकन मलाई कोफ्ता। पेमेंट हो गई है ना? पेमेंट हो गई है सर। हाँ तो पैसे वो लेकर आ, तू सामान लेकर आ जल्दी। सर अभी आपने कहा आप ऑर्डर नहीं किया। ओ भाई एक बात सुन, ये चिकन मलाई कोफ्ता जो लाएगा सर, तरी अलग से लाइयो और प्याज अलग से लेकर आइयो और ज्यादा से लेकर आइयो। आधा घंटे से वेट कर रहे हैं खाने के लिए। हेलो, हाय, इज दिस साहिल? नहीं साहिल नहीं, कौन? रॉन्ग नंबर मिल गया होगा, बट आई जस्ट नीड दिस लिटिल हेल्प फ्रॉम यू इफ यू डोंट माइंड। एक्चुअली मेरे को ना इंस्टाग्राम, मैंने अभी इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड किया है, बट आई डोंट नो कि पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे कैसे एडिट करके अपलोड करते हैं, तो इफ यू कुड जस्ट प्लीज मे बी टेल मी हाउ टू डू इट। या श्योर, जरूर, एक सेकेंड होल्ड करना। ये पहले भी कई बार मेरे से पूछा है लोगों ने, मैंने सबको बता दिया है। अभी बताता हूँ। हाँ सबसे पहले तो आप इंस्टा पे जाओ। आपने इंस्टा खोला? जी बिल्कुल। उसमें 5 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे। हाँ करेक्ट करेक्ट आ रहे हैं। आ रहे ना, तो सबसे एक्सट्रीम राइट पे देखो, एक बंदा बना हुआ है। तो क्लिक करने यू कैन सी वहाँ तुम्हारा नाम है, ऊपर फोटो का वो मांग रहा है कि फोटो लगा दो अपने। हाँ करेक्ट करेक्ट। इसमें आज जो सिलेक्ट किया आपने, तो उसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि न्यू इम्पोर्ट पोर्टफोलियो, इम्पोर्ट फ्रॉम फेसबुक, मतलब आप अपने फेसबुक से भी ले सकते हो फोटो इंस्टा के लिए। आई थिंक कि चेक करने के लिए ना मैं एक पिक्चर अभी ले लेती हूँ। आपको तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा फोटो होंगे। हाँ 1 सेकेंड। हाँ हो गया, अपलोड हो गया। थैंक यू सो सो मच, सच सेवियर यू आर, थैंक यू यार। ओके हेलो, यस, आप जरा मेरे को ये बता सकते हो फेसबुक की प्राइवेसी सेटिंग कैसे होते हैं? मेरे को कुछ मैं अपना एडिट करवाना है। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओ अच्छा, सॉरी। कितनी बार बताऊं ये कि लड़के बड़े हेल्पफुल होते हैं यार। थैंक यू। हेलो, सतीश के घर से बोल रहे हो? सतीश के घर से जिनकी शादी हुई परसों। हाँ जी भाई साहब, मैं कारपेंटर बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम हो गई इसमें? हमारे दुकान पर आपकी तरफ से लड़के आए थे, पूछ रहे थे। आपने जो दरवाजा बनाया था हमारे लड़के के कमरे का भैया, वो तो खुली ना है। ना खुल गया ना, पूरी रात परेशानी हो गई हमें तो। हेलो हेलो सतीश, कौन भैया? कारपेंटर बोल रहा हूँ, कारपेंटर। ये 2 दिन पहले जो लकड़ी का काम हुआ था, दरवाजा तूने ठीक किया था? हाँ हमने किया। क्या क्या हो गया? हाँ भाई, शादी हुई है घर में। जब तू यहाँ पे दरवाजा ठीक करने आया था, तुझे किसी ने बताया था ये मेरा कमरा है दूल्हा दुल्हन का? हाँ बताया मुझे, घर वालों ने बताया, मैंने छोटू को भी भेजा, मैंने कहा दरवाजा ठीक करके आया उनका। एक बार चेक किया था तूने, खुल रहा है ढंग से या नहीं? चेक तो नहीं किया हमने, तो उसमें पल्ले ठोक के और चटकनियां लगा के फिर आ गए वहाँ को, घर को। तो तूने देखा ही नहीं कि दरवाजा ढंग से खुल रहा है नहीं खुल रहा है? ना हमने जब पल्ले लगाए उसमें और चटकनियां लगाई हैं, तो हमने यूँ नहीं देखा कि मतलब बाहर से खुल रहा है या नहीं। क्यों क्या हुआ? तूने देखा नहीं, पूरी रात में बाहर बैठा था मैं और मेरी मिसिज के साथ। गुस्सा काहे को खा रहे हो भाई, आराम से भी तो बात। तुझे बताया नहीं ना किसी ने, मेरा और मेरी मिसिज का कमरा है ये। तू पहले क्या कहता, दरवाजा बनाता था जो ये बनाता था? मैं और मेरी मिसिज बाहर बैठी है। तो भाई जोर लगवाते ना उसमें, आप जोर लगा के खोलते ना जरा से। हाथियों से खुलवाता क्या उसको? मेरी नई नई मिसिज दरवाजा खोलने में लगी है, देखो नहीं देखो नहीं। भाई गुस्सा काहे को खा रहे हो, आराम से भी तो बात कर सको। मैं मिसिज को देखूं, मिसिज मुझे देख रही है।
दरवाजा ना खुला, वो बना के गया है सांझा के दरवाजे। मेरी बात सुनो, एक बात बता, तू जालिम है? ना मैं ना हूँ जालिम, कुत्ता है, कुत्ता है। कुत्ता का है को होता मैं? तो फिर क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? क्यों क्या किया ऐसा मैंने? दरवाजा जो तू कमर बना के गया है खुला क्यों नहीं पूरी रात? तो भाई आप आराम से बात करो। नहीं नहीं नहीं, तू 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 एक बात बता, तू बोल गया? ना मैं तो नहीं हूँ। ये तो ना मैं तो नहीं हूँ। तेरी माँ तेरे चक्कर में मैं यहाँ पड़ा हूँ, मेरी मिसेज वहाँ पड़ी है। यार आप ऐसे भड़क रहे हो मुझ पे। तू चुप हो, तू एक बात बता, शादी में गया है? मैं शादी में गया हूँ। तो शादी में क्या होता है? खाना खा मैं वहाँ? पता ही नहीं है तुझे शादी में क्या होता है, यही तो नहीं पता तुझे। कौन कौन होता है शादी में? दूल्हा और उसके पापा और दूल्हे की बहनें हो मैं और दूल्हे की बहनों, दूल्हे के दोस्त वोस्त भी आ जाएं। मिसेज वो कहाँ गई? हाँ बोल गया था मिसेज भी हो। पूरी रात धक्का लगा लगा के थक गए अंदर की तरफ, अब खुलेगा अब खुलेगा, खुला ही नहीं वो। शर्म आनी चाहिए तुझे, मैं धक्का मार रहा हूँ तब नहीं खुला, पापा धक्का मार रहे हैं तब नहीं खुला, खुपा धप्पा मार रहा है फिर नहीं खुला। धक्का मार रहे हो और क्या? धक्का नहीं मारेंगे दरवाजे में? धक्का क्यों मार रहे थे उसमें? तो क्या करें? अरे तो उसे अपनी तरफ को खोलते, बाहर की तरफ को खुले, समझे? तेरी माँ पहले क्यों नहीं बताया? आप खोल लो। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं? नहीं नहीं, ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे। मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है? अच्छा इसके ने इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ दिखाना है वो, इसीलिए फोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है, तो बेटे पापा इसके है नहीं और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई है। बेटे अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर? कल कितने बजे? कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। शाम में अंकल जी कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वो ही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ, तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है, मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं अभी। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो, ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है, और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। इससे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं, गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका, ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल? डॉक्टर मुखर्जी है, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते हैं? शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द है मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूँ आप 7:30, मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी। वो 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। ओहो तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि 7 में जरूरी है ना, कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो, अपने उनको अंकल जी को बोलो ना कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ, मैं कह के देखूँ। बात कराओ। हेलो हाँ अंकल जी। हाँ जी अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे मैं ले जाता, बेटे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकते एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा, घर में कोई नहीं है बेटे।
क्या हुआ बेटी? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे 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 भी नर्स देखना है। हेलो बबीता जी। बबीता हाय, आनंद दिस साइड। आनंद आनंद ओके, मैं आपको बता दूं बबीता, आई हैव सीन योर फोटोग्राफ फॉर मैट्रिमोनी। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? Absolutely fine. I'm sorry. I hope I'm not disturbing you. मैं कॉल आपको कर रहा हूँ। नहीं नहीं, 41 calls कब तक मैं अटेंड कर चुकी हूँ। क्या कर चुकी है? 41 calls. 41 calls? अटेंड कर चुकी हूँ। अटेंड कर रही है? हाँ। मैंने आपका फोटोग्राफ देखा, मुझे कुछ हो गया। अब तक जितने भी लोगों ने मुझे कॉल किया है, सबने ही बोला है कुछ नया नहीं है। आपने जो फोटोग्राफ लगाया उसमें मेकअप मेकअप है? हाँ, तो मुझे नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, मैं भी कहने वाली थी मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू नो फोटोग्राफर ने मुझे बोला थोड़ा बहुत मेकअप यूज कर लो। नहीं, ऑनेस्टली आपको मेकअप की जरूरत नहीं है। आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको मेकअप की जरूरत नहीं है, इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करती है पूरी। मैं बताता हूँ, इसमें ना प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी। इसमें जैसे अब नाक भाई एक हद होती है ना फैलने की, तो उसको दबा देते हैं ये लोग, ठीक है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी काम करेगी, जो मुझे अंदाजा हुआ है देख के। मेकअप की जरूरत ही नहीं थी इसमें, बेकार है ना वो, बेकार मेकअप क्या करेगा इसमें, प्लास्टिक सर्जरी पूरी लगती है, ठीक है। कौन बोल रहा है? आपका ही एक चहिता। कुत्ते के बच्चे फोन कर दियो। दो मिनट में पुलिस आ जाएगी, चल मैं फोन मत चल। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है, ठीक है, सेल्स का पीपीटी बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये पीपीटी मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है। सेल्स में? नहीं नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं एचआर से बोल रहा हूँ ना, आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में है। मैं पीपीटी कैसे बना सकता हूँ सेल्स का, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल पीपीटी बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए आपको सर? समझने में क्यों नहीं आ रहा, मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ, और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा? एक 17 साल का बच्चा जिस पे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली, अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है? राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक एक चीज लिखी थी, आपकी मोहब्बत में आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली, हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं। एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम है और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है। ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने परसेंट मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाए, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। I'm sorry, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ जी, सुनाइए। राम राम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रे हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजदा।
फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे रात ना आया रहना दूर क्या कीजे दिल कह रहा फिर से मुकम्मल मिले आओ ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आपकी का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। बहुत बहुत शुक्रिया 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 आपका समझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय।